एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीति सानिया में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की, एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर की। स्किन केयर में हम बात करने वाले हैं अपनी आई केयर की, यानी कि हम आज बात करने वाले हैं अपने डार्क सर्कल्स के बारे में। ये डार्क सर्कल्स हमें क्यों होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किसको जल्दी होते हैं, किसको नहीं होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको क्योर करने के लिए हम दो रेमेडी बनाने वाले हैं। पहली आई मास्क, दूसरा आई क्रीम। तो चलिए स्टार्ट। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि आँखें हज़ारों शब्दों को बयां करती हैं। तो अगर इनके नीचे डार्क सर्कल्स हों तो भी तो ये बहुत कुछ बयां करती हैं। तो प्लीज़ इनको अवॉइड ना करें, इनको समझने की कोशिश करें कि ये डार्क सर्कल क्यों हो गए हैं और इनको क्योर करने की कोशिश करें। आँखों से ही आपकी हेल्थ का भी पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हैं। तो प्लीज़ इनको अवॉइड ना करें। तो आज हम बात करने वाले हैं आँखों के डार्क सर्कल्स के बारे में। इसके लिए मैंने दो होम रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ, तो उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, इनके कारण। आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा जो होती है वो चेहरे के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़ी नाजुक और पतली होती है, और यहाँ पर जो मॉइस्चराइज़र वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो भी नहीं होती हैं। यहाँ इन आँखों के नीचे मॉइस्चराइज़र वाली ग्रंथियाँ भी नहीं होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी आँखों के पास जो वाली जो स्किन है ना, वो बहुत पतली है, बहुत नाजुक है। यहाँ की अपेक्षा आप त्वचा के इन्हीं हिस्सों पर, यानी कि आँखों के नीचे, उम्र, तनाव और लापरवाही बहुत जल्दी नज़र। डार्क सर्कल्स के कारण जानने से पहले हम अपना आई मास्क प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम डार्क सर्कल्स के कारण जानेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी आई क्रीम बनाएंगे। तो देखिए, डार्क सर्कल्स के आई मास्क बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें चाहिए होगा एक टमाटर। टमाटर को हमें पील कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद हमें उसे छलनी से ऐसे ऐसे करके उसका रस निकाल लेना है। रस निकाल लेने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ देना है, 2-4 बूंदें ही, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा हाफ टी स्पून हमें बेसन लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चुटकी भर इसमें हल्दी डाल देनी है। बस हो गया हमारा मास्क रेडी। तो इस मास्क को हम ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे मैंने किया है, आप देखिएगा उसी तरीके से बिल्कुल सेम आपको भी अप्लाई करना है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विद इन 7 डेज़ के अंदर ही आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। फ़र्क क्या, आपके बहुत ज़्यादा हल्के हो जाएंगे डार्क सर्कल्स। जी हाँ, बिल्कुल कम्प्लीटली जाने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विद इन 7 डेज़ आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपके कितने भी गहरे डार्क सर्कल्स क्यों ना हों, आपको 7 दिनों में इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें डाला है टमाटर, और टमाटर और नींबू, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये स्किन को थोड़ा लाइटन कर देते हैं, लाइटन और ब्राइटन कर देते हैं। तो हमारे डार्क सर्कल्स की वजह से हमारा ये हिस्सा थोड़ा सा काला हो चुका होता है, तो उसको ये लाइटन कर देते हैं। और इसमें डाला है हमने हल्दी, तो हल्दी का भी यही काम होता है। इसमें एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं और ये हमारी स्किन में चमक लाने का भी काम करती है। और हमारी जो भी मसल्स जो होती हैं, जो बेकार या थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती हैं, उनको भी रिपेयर करने का काम करती है ये हल्दी। तो हम डार्क सर्कल्स के कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कारण मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, नंबर 1 नंबर 2 कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तनाव लेना। ज़्यादा तनाव लेने की वजह से भी आँखों के नीचे जो है वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और सेकंड नंबर, कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना। बहुत ज़्यादा सोने से भी हमारे जो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो सर्कुलेट होना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। क्या होता है कि हम ज़रूर से ज़्यादा सो लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा यहाँ ब्लड जो है वो जमा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ी सूजन जैसी आ गई है।
तो इस सबको बिल्कुल क्योर कर देगा ये आई मास्क, टेंशन नहीं, बिल्कुल क्योर कर देगा ये आई मास्क, ठीक है। और थर्ड नंबर है हमारा कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा रहना। जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो लोग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों के भी चांस बहुत रहते हैं कि उनके डार्क सर्कल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। जेनेटिक में क्या होता है अनुवांशिक में कि शुरू से चले पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चली आ रही होती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन इस वाले डार्क सर्कल्स को सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो ज़रूर जाते हैं, फ़र्क आपको दिख जाएगा। आपके अगर ऐसे भी डार्क सर्कल्स हैं, अनुवांशिक भी हैं, तो भी आपको फ़र्क दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उनके मुकाबले जो सोने की वजह से या कंप्यूटर के आगे काम करने की वजह से जो हो रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ये जो जेनेटिक वाले होते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ओके। और नेक्स्ट पॉइजन है पानी की कमी। देखिए, शरीर में अगर पानी की कमी रहेगी तो पानी की कमी से ही हमारी ये डार्क सर्कल होने का चांस बढ़ता है, क्योंकि अगर पानी की कमी रहेगी तो शरीर की गंदगी साफ़ नहीं होगी, और गंदगी साफ़ ना होने की वजह से ही हमारे मुहासे वगैरह जो भी हमारे फेस की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी पानी की वजह से ही होती हैं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी पीने से हमारी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी और ग्लो करेगी बहुत। आप आजमा के ज़रूर देखिएगा, आपकी स्किन एकदम ग्लो है। कुछ पॉइंट कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, इनके कारण क्या हैं, वो हमने जान लिए। और अब हम बनाने वाले हैं आई क्रीम। तो आई क्रीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा विटामिन ई एक कैप्सूल, और बादाम का तेल, जी हाँ आलमंड ऑयल, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल। विटामिन ई का एक कैप्सूल और बादाम का जो तेल है वो हमें एक चम्मच चाहिए होगा, और एक चम्मच हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। अब हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल इक्वली मिक्स और क्रीमी सा टेक्सचर ना हो जाए इसका, क्योंकि ऑयल जब हम किसी में भी डालते हैं वो थोड़ा ऊपर ही ऊपर रहने लगता है, तो इसमें भी ऐसा होगा। तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, तब हमारी आई क्रीम तैयार होगी। और ये आई क्रीम का हम यूज़ डेली नाइट में करेंगे, ताकि इनको लगाने के बाद अच्छे से हम इससे मसाज भी करेंगे 2-3 मिनट के लिए। अच्छे से हम इसको इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से हम इसकी मसाज करेंगे अच्छे से, ताकि ये जिस इनकी जो भी गुड क्वालिटीज़ है ना वो सारी हमारी आँखों के अंदर आ जाए, और सारे जो भी डार्क सर्कल्स हैं वो सब बिल्कुल एकदम फेड हो जाए, सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए, हमने डाला है इसमें एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल में ऐसी गुड क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी आँखों के नीचे जो लालिमा होती है और जो सूजन हो जाती है किसी भी विषाणु की वजह से भी अगर हो जाए ना, तो भी ये एलोवेरा जेल उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। तो हमने इसमें एलोवेरा जेल का भी यूज़ किया है। अब बात कर लेते हैं बादाम का तेल ये समझ लीजिए आँखों के लिए इतना एकदम मैजिक सा करेगा आपकी आँखों के लिए। आप इसको केवल 3 से 4 दिन ही आप इस आई क्रीम को यूज़ करके देखिएगा, आपके डार्क सर्कल्स बहुत हल्के होने लगेंगे, बहुत हल्के, विद इन 7 डेज़। मैंने आपको पहले भी बोला, विद इन 7 डेज़ आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जी। तो हमने इसमें बादाम का तेल डाला है जो कि आँखों को एकदम सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है, एकदम रिलैक्स कर देता है ये बादाम का तेल। और बादाम का तेल में विटामिन ई होता है, और हमने ऊपर से इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी डाला है, तो ये बहुत जल्दी ही ये हमारी जो आई क्रीम है बहुत जल्दी वर्क करेगी, और हमारी आँखों के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी हमने ये 2 चीज़ें डाली हैं जिनमें विटामिन ई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे डार्क सर्कल जो हैं वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। और जो भी आपकी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका जवाब दूंगी।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।